तुम्हारे साथ में तुम्हारी अयोध्या के राज सिंहासन पर मात्र 14 दिन के लिए तुम्हारी रानी बनने के बाद मैं बैठना चाहती हूँ, क्या तुम्हें मुझे दे पाओगे? आप 14 दिन के लिए हमें अपनी पटरानी बना लो और अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठा लो साथ में। 15 दिन मैं चुपचाप अपने घर चली आऊंगी। दशरथ ने जवाब दिया, माफ करना देवी, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा विवाह हो चुका है, मेरे आंगन में और भी हमारी पटरानियां हैं, इसलिए मैं पत्नी व्रत का पालन करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ में विवाह नहीं कर सकता, इसके अलावा कोई दूसरा वरदान तो मांगना चाहती हो तो मांग लो। बालिका ने जवाब दिया, दूसरा वरदान क्या मांगे हम, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, देना चाहते तो इतना दे दो, 14 दिन के लिए अपनी पटरानी बना लो। दशरथ बोले, ना मेरे से नहीं होगा। महाराज चले आए। उसी दिन से ताड़का जान गई कि अयोध्या वालों की कोई बात नहीं है, इसलिए राम से कह रही, जब इच्छा तुम्हारे बाप ने ना पूरी करी पाई तो राम तुम कहां से पूरी कर दियो? भगवान ने जवाब दिया, माफ करना देवी, मेरे पिता ने तुम्हारी बात नहीं मानी तो क्या हुआ, तुम यही चाहती थी ना कि 14 दिन के लिए अयोध्या की राज गद्दी पर बैठना चाहती थी, जाओ आने दो समय, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम 14 दिन के लिए बैठना चाहती थी, मैं तुम्हें 14 साल के लिए अयोध्या की राज गद्दी पर बैठाऊंगा, ये मेरा वचन है, इसलिए जो खड़ाऊं बने थे ना खड़ाऊं, जब ताड़का का अंत हुआ तो भगवान ने हड्डियों को उठा करके इंद्र को दे दिया, इंद्र ने विश्वकर्मा को दे दिया और विश्वकर्मा ने उन्हीं हड्डियों से खड़ाऊं बनाए जो भगवान श्री राम ने चित्रकूट में भैया भरत को दिए थे। भैया भरत ने आकर के वही खड़ाऊं राजगद्दी पर रख दिए, वो ताड़का की हड्डियों के खड़ाऊं बने हुए थे, इसलिए 14 साल तक राजगद्दी पर वो खड़ाऊं रखे रहे, क्योंकि भगवान ने वचन दिया था ताड़का को, इसलिए भगवान ने अपना लोक दे दिया ताड़का को। अब भगवान आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद में पहुंचे हैं आजमगढ़ में, जहां विश्वामित्र का आश्रम बना हुआ था, रात भर विश्राम करते हैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी। सुबह जैसे हुआ, अब जवाब दिया है विश्वामित्र से, प्रभु आप यज्ञ प्रारंभ करो। भगवान की बातें सुनी, जवाब दिया विश्वामित्र ने, राम हाँ प्रभु, हम यज्ञ किसके लिए करते थे? भगवान के लिए ना, जब भगवान हमारे यहाँ आ गए तो यज्ञ किसके लिए करना? जो इतने वचन सुने सोई भगवान समझ गए, इसका मतलब विश्वामित्र मेरे बारे में जानते हैं कि मैं भगवान का अवतारी हूँ। तो राम ने जवाब दिया विश्वामित्र से, प्रभु जो बात तुम मेरे बारे में जानते हो ना, वो बात आप अपने तक सीमित रखो, किसी दूसरे को नहीं बताना कि मैं भगवान हूँ, यज्ञ शुरू करो। उसी समय विश्वामित्र ने यज्ञ शुरू किया और जैसे यज्ञ शुरू किया, जो सोहा सोहा की ध्वनि राक्षसों के कान में पहुंची, हड्डियां लेकर के और महाप्रलय दिखलाने लगे, मारीच सुबाहु अनेक राक्षस हाथ में हड्डियां